जब आपके पास टाइम कम है और आपको लंच या टिफिन बॉक्स पैक करना है तो आप बनाए टमेटो राइस, ये बहुत ही फिलिंग और फ्लेवरफुल मील है। टमेटो राइस के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। अब आप इसमें डालें राई, ज़ीरा, रोस्टेड चना दाल, उड़द दाल, छोटा पीस सिनेमन स्टिक का और थोड़ी सी हींग। अब हम इस सबको रोस्ट करेंगे 2 मिनट तक, ताकि जो दालें हैं वो अच्छे से उनमें एक गोल्डन कलर आ जाए। ये बहुत ही बढ़िया स्वाद देती हैं आपके इस टमेटो राइस को। अब आप इसमें डालें कुटी हुई अदरक, या आप उसके छोटे छोटे पीस भी करके डाल सकते हैं, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो आप इसको 1 मिनट तक फिर भुनें। अब आप इसमें डालें ड्राइड रेड चिलीज और अनियंस। हमें अनियंस को कुक करना है 3 से 4 मिनट तक। इसी के साथ आप इस पे डालें करी लीव्स। अनियंस को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, तब तक करेंगे ताकि एक अच्छा ट्रांसलूसेंट इसमें कलर आए। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में स्टर करते हुए पकाएं। आप देखें अनियंस हमारे अब अच्छे से हो गए हैं, तो ये हमें टेक्सचर चाहिए था। अब आप इसमें डालें बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, और आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार टमेटो राइस बनते हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। इसी के साथ इसमें डालें सॉल्ट। सॉल्ट डालने से जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी होगा। तो हमेशा जब टमाटर और प्याज को आप कुक करें, थोड़ा सा सॉल्ट आप उस टाइम ज़रूर डालें। अब हम ढक के इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। अब आप देखें 4 मिनट बाद जो टमेटोज हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस पॉइंट पे। अब मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। स्पाइसेस में ज़्यादा नहीं जाते, इतने ही स्पाइसेस इसमें जाते हैं टमेटो राइस में। अब हम इसे फिर से ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। आप देखें बिल्कुल मज़ेदार लग रहे हैं, ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं मसालों के साथ। आप इसका टेक्सचर भी देखें, बहुत बढ़िया आया है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े लार्ज बोल बॉयल्ड राइस के। जी हाँ, मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। आप अब इसको अच्छे से हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करें, ताकि जो मसाला हमने प्रिपेयर किया है टमेटो और अनियंस का, वो राइस में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। आप देखें बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा कलर भी आया है हमारा कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से, टमाटर की वजह से। अब मैं इसमें एंड में डालूँगी धनिया और 1 चम्मच देसी घी। जी हाँ, बहुत ही टेस्ट बढ़ा देता है देसी घी, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है आपके टमेटो राइस। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं रायते के साथ, आलू के साथ, अचार के साथ। मैं इसको ऐसे भी सिंपल खाना पसंद करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं लगातार ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी।